आगे बढ़ते हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज करेंसी मार्केट में रुपए की बेकदरी थम नहीं सकी है। इंटर बैंक में डॉलर 301 रुपए जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए की तारीखी सतह को छू गया है। मजीद जानेंगे ये समा के सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपको मार्केट की सिचुएशन बता रहे हैं, कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है, करेंसी मार्केट में रुपए की बेकदरी थम नहीं सकी है। इंटर बैंक में डॉलर 301 रुपए जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए की तारीखी सतह को छू चुका है। इंटर बैंक में डॉलर 78 पैसे मजीद महंगा हो गया है, डीलर्स का ऐसा बताना है। इसी पर बात करेंगे, सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान, मार्केट की क्या सिचुएशन है? कल भी मार्केट में हमने देखा था कि डॉलर की तलब बहुत ज्यादा थी और डॉलर ने जो है वो 300 रुपए की सतह को भी जो उबर किया था, और आज डॉलर ने जो एक नया हाई बनाया है 78 पैसे महंगा होने के बाद 301 रुपए की सतह पे इंटरबैंक मार्केट में ये चला गया है। इसके साथ साथ ओपन करेंसी मार्केट में भी जो है वो डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 316 रुपए की रिकॉर्ड सतह पे जो है वो ट्रेड हो रहा है। बताया ही जा रहा है कि चूंकि स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर भी ये बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो मदाखलत नहीं कर सकता है डॉलर के एक्सचेंज रेट पर, दूसरे दरामदात जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कहते हैं उसकी तलब की है की वजह से डॉलर की जो है तलब में इजाफा हो रहा है। तो ये चीजें जो है वो डॉलर की जो है कीमत को बढ़ा रही है। डॉलर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है और निगरान हुकूमत की जाने से किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं देखी जा रही। ठीक है रिजवान, आपका बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए।